अपनी तकदीर आपको खुद ही लिखनी होगी दोस्तों, ये कोई चिट्ठी नहीं है जो आप किसी और से लिखवा लोगे, आपकी तकदीर स्वयं आपके अपने हाथों में है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम धनु राशि के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा विशेष है। धनु राशि का अप्रैल 2024 का मासिक राशिफल मंथली प्रिडिक्शन अप्रैल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा बहुत डिटेल में जानेंगे सब कुछ, जो भी आपके प्रश्न हैं, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, सब कुछ बताऊंगा आपको, और ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, एग्जैक्ट जानकारी यहाँ पे चार्ट है धनु राशि का और प्लैनेट कहाँ कहाँ पे बैठे हैं सब कुछ समझाऊंगा आपको और सारी जानकारी दूंगा, और वीडियो के अंत में बताऊंगा अचूक उपाय, क्या उपाय आपको फॉलो करने चाहिए। दोस्तों ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कोई अगर आपके कमेंट्स में रिप्लाई करता है एक बार चेक कर लेना कहीं वो स्कैम तो नहीं है। चलिए अब जानते हैं अप्रैल 2024 धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है, अब ध्यान से सुनना होगा आपको, मजा आएगा, समझ में भी आएगा। दोस्तों ये आपकी राशि है धनु राशि और आपकी राशि के स्वामी कौन बनते हैं, गुरु बनते हैं, यानी कि जुपिटर, ठीक है। जुपिटर कहाँ है आपके, जुपिटर है आपके पंचम भाव में, फिफ्थ हाउस में बुध के साथ में है, फोर्थ हाउस में है राहु शुक्र सूर्य, ठीक है, आपके थर्ड हाउस में है शनि मंगल और आपके टेंथ हाउस में विराजमान है केतु। कौन सा ग्रह कब परिवर्तन करेगा, यहाँ पे मैंने डेट लिखी है 14 अप्रैल को सूर्य मेष में, 24 अप्रैल को मंगल मीन में और 25 अप्रैल को शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य, दोस्तों राशि के स्वामी है गुरु और गुरु पंचम भाव में है बुध के साथ में, ठीक है, शनि की दृष्टि है यहाँ पे गुरु पे पड़ रही है, यहाँ पर मंगल भी जो है थर्ड हाउस में है, सूर्य जो है फोर्थ हाउस में। दोस्तों यहाँ पर आपका स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा क्योंकि गुरु नौवीं दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं, ठीक है, जब अपने घर को कोई ग्रह देखता है तो उसको अच्छा बनाता है, बलवान बनाता है, लेकिन मंगल थोड़े कमजोर हैं फिफ्थ लॉर्ड, जब फिफ्थ लॉर्ड थोड़े कमजोर हैं तो फिफ्थ हाउस होता है हमारे स्टमक का, यानी कि खाने पीने पर कंट्रोल कीजिएगा, हैं हेल्दी डाइट आप जो है फॉलो करें, नहीं तो कुछ भी आप ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कंज्यूम करे जा रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा सिर्फ। लेकिन अगर ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपकी यहाँ पे हेल्थ अच्छी है क्योंकि गुरु अपने घर को देख रहे हैं, बस थोड़ा बहुत आपको टेंशन हो सकती है क्योंकि शनि एस्पेक्ट टू गुरु, थोड़ा टेंशन, थोड़ा लोड हो सकता है, थोड़ा टेंशन आप मत लीजिएगा नहीं तो हेडेक हो सकता है, इसी का ध्यान दीजिएगा। बात करूँ आपकी पढ़ाई को लेकर, विद्यार्थियों को लेकर कैसी रहेगी आपकी पढ़ाई, पंचम भाव होता है दोस्तों पढ़ाई का फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड बनते हैं मंगल, मंगल थर्ड हाउस में है शनि के साथ में, पंचम भाव में गुरु हैं, बुध भी है पंचम भाव में, आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि बुध और गुरु दो शुभ ग्रह हैं आपके पंचम भाव में, इवन आपके सूर्य भी पंचम भाव में ट्रांजिट करेंगे 14 अप्रैल में। दोस्तों 14 अप्रैल के बाद आपकी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी रहेगी और आपको क्या एग्जाम है कोई आपकी कुछ आप करना चाहते हैं अपने लाइफ में अपनी पढ़ाई को लेकर, तो 14 अप्रैल के बाद आपका भाग्य पढ़ाई से संबंधित बहुत अच्छा है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं 14 अप्रैल के बाद का समय अच्छा है, कोई एग्जाम है तो अच्छा है, गवर्नमेंट एग्जाम है, सूर्य गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एग्जाम है अच्छा है, लेकिन एक चीज, मंगल यहाँ पे शनि के साथ में बैठे हैं, यानी कि मंगल के साथ में शनि का बैठना है, यानी कि अकेले में रहकर कोई गलत डिसीजन ना ले लें आप पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, किसी की बातों में ना आए, बहकावे में ना आए, अपने लक्ष्य पर फोकस करें, आपकी तकदीर आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है, यानी कि आप बस कन्फ्यूज ना हो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, अदरवाइज देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बात करूँ प्रेम प्यार, लव रिलेशन कैसा रहेगा आपका, दोस्तों पंचम भाव लव रिलेशन का भी होता है, ठीक है, यहाँ पे बुध के साथ में गुरु हैं, आपकी फीलिंग्स बहुत होंगी लव रिलेशन को लेके, कुछ भी कर सकता हूँ ऐसा, क्योंकि आपके राशि स्वामी ही खुद पंचम भाव में बैठे हैं भाई, आपके राशि स्वामी खुद पंचम भाव में बैठे हैं, यानी कि आपका सबसे ज़्यादा फोकस होगा अपने लव रिलेशन पर, इस महीने की बात कर रहा हूं, साथ में बुध भी हैं, लेकिन आप जिनके साथ लव रिलेशन में है ना, उनका जो नेचर है, उनका जो मूड है, आपको थोड़ा सा ना डिफरेंस लगेगा, डिफरेंट लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि मंगल के साथ में शनि है, यानी कि थोड़ा जिद, थोड़ा सा नेचर चेंज होना, ऐसा आपको थोड़ा फील हो सकता है और आप इसको फील करेंगे, मैं आपकी बात बता रहा हूं कि आप इसको फील करेंगे कि नेचर थोड़ा चेंज हो रहा है, मेरे साथ जो बिहेव करना चाहिए, जो एक लव रिलेशन है वो कहीं ना कहीं उसमें आपको थोड़ी सी कमी, कुछ कंप्लेन लगेगी आपको उसमें, लेकिन फिर भी आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी रहेंगी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सामने वाले की थोड़ी डाउन हो सकती है, लेकिन अगर ओवरऑल बात करूँ तो यहाँ पे लव रिलेशन अच्छा है, घूमने फिरने का भी योग अच्छा है, लेकिन आप ज़्यादा ना सोचें अपने लव रिलेशन में, शंका उत्पन्न ना करें,
बाकी तो ओवरऑल काफी अच्छा रहेगा। बात करूं वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आपकी, सेवंथ हाउस होता है मैरिड लाइफ का, सेवंथ लॉर्ड बनते हैं मर्करी, कहां है बुध ग्रह, आपके बुध ग्रह पंचम भाव में है, फोर्थ हाउस में आ जाएंगे कुछ टाइम में वक्री हो गए। मैरिड लाइफ दोस्तों यहां पे आपकी ठीक है, कोई भी पापी ग्रह सेवंथ हाउस को नहीं देख रहा है, कोई भी पापी ग्रह सेवंथ हाउस को नहीं देख रहा है, लेकिन हाँ बुध राहु के साथ में चले जाएंगे। बस मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि मैरिड लाइफ यहाँ पे बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन एक होती है ना कि बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए मैरिड लाइफ में, ऐसा होना चाहिए मैरिड लाइफ में, तो उस प्रकार से ना हो जैसा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, बहुत उम्मीदें लेके चल रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर से, चाहे वो फीमेल हैं मेल हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको चीज़ें ना मिलें, क्योंकि बुध के साथ में ना बुध राहु के साथ में आ जाएंगे, यानी कि ये आपको ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर कर देता है, नेगेटिविटी लाने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल मैरिड लाइफ की बात करूं तो पहले अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, फाइट चल रही थी, तो फाइट कम होंगी, मतलब फाइट बिल्कुल मुझे बहुत कम दिख रही है यहाँ पे, यहाँ पे मैरिड लाइफ ज़्यादा अच्छी दिख रही है, नेगेटिव बहुत कम दिख रहा है। बात करूं सबसे महत्वपूर्ण विषय भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा दोस्तों, भाग्य स्थान होता है नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस फॉर लक, टेंथ हाउस फॉर करियर, है ना, तो नाइन्थ लॉर्ड बनते हैं सूर्य, सूर्य यहां पर है फोर्थ हाउस में, लेकिन फिफ्थ हाउस में आ जाएंगे 14 अप्रैल में। जब भाग्य के स्वामी उच्च के हो जाएंगे फिर किस बात की चिंता है आपको, फिर किस बात की चिंता है आपको, क्योंकि आपके जो भाग्य से सूर्य वो उच्च के हो जाएंगे, और जब वो उच्च के हो जाएंगे फिर कोई प्रश्न नहीं बनता, क्योंकि फिर आपका भाग्य बड़ा जबरदस्त होगा। सूर्य जब यहां पर आ जाएंगे ना उच्च के, वो भी गुरु के साथ में, जीवात्मा का योग बनाते हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपका अप्रैल में ये प्रश्न है कि मैं कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, कोई भी ऐसे काम करना चाहता हूं, तो मैं आपसे कहूंगा कि जी हाँ आप कर सकते हैं, किसी काम की शुरुआत करना चाहता हूं कर सकते हैं, कोई शुभ कार्य कर सकते हैं, कोई मांगलिक कार्य कर सकते हैं, कोई भी बड़ा चीज, इन्वेस्टमेंट, सेल, परचेज, कुछ भी आपका प्रश्न है कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत अच्छा दिख रहा है। 14 अप्रैल की बात बता रहा हूं, 14 अप्रैल के बाद आपका भाग्य सातवें आसमान पर होगा, ठीक है। बात करूं करियर की तो 10th लॉर्ड बुध यहां पर है, यहां आ जाएंगे बुध के साथ में राहु, आप थोड़ा सा जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे अपने काम में, क्योंकि बुध के साथ में राहु है, हार्डवर्क नहीं, अगर आपके पास में हार्डवर्क आएगा थोड़ा दूर भागेंगे आप, थोड़ा सा हार्डवर्क से आप दूर भागेंगे कि यार थोड़ा सा मतलब मुझे मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा, आप किसी और से काम करवाने की सोचेंगे इस महीने। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, क्योंकि बुध के साथ में राहु भी रहेंगे, शुक्र भी रहेंगे और सूर्य भी रहेंगे, यानी कि मन वो अपने काम में ना होके और जगहों पे होना, ठीक है, तो ऐसा थोड़ा हो सकता है। लेकिन वो कब तक होगा, वो ज्यादा टाइम तक नहीं होगा, वो होगा आपका 17-18 अप्रैल तक, बस उसके बाद आपका कामकाज बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन स्टार्टिंग में आप दूसरों की गलती ना निकालें, पॉलिटिक्स ना करें, आर्ग्यूमेंट में ना पड़े, क्योंकि बुध के साथ में राहु जड़ बुद्धि दोष, जो नहीं करना वो कर देता है इंसान। ये तो आपका भाग्य अच्छा रहेगा, जो आपको बचा लेगा, जो आपको आगे लेके जाएगा। भाग्य जब अच्छा होता है ना तो फिर कहते हैं कि सबसे मेन है हमारा भाग्य, क्योंकि कर्म और मेहनत और स्ट्रगल तो, एफर्ट्स तो हर कोई डालता ही है अपने टाइम टाइम पे, लेकिन जिसका भाग्य अच्छा होता है ना वो इंसान टॉप पे जाता है। तो इस महीने आपका भाग्य तो बड़ा जबरदस्त है, लेकिन करियर की अगर मैं बात करूं, कार्य क्षेत्र की, थोड़ा सा हल्का सा डाउन है 17-18 अप्रैल तक। बिजनेस, व्यापार, इस महीने व्यापार आपका 70% अच्छा दिख रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि बुध आपके अच्छे रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी, आपका जो टैलेंट है अच्छा रहेगा, आपका काम करने का तरीका बहुत अच्छा रहेगा व्यापार में, ठीक है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपको देखने को मिलेंगे, और आपकी मेहनत बिजनेस में, एफर्ट्स बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि आपके मंगल भी थर्ड हाउस में है, ट्रैवल भी कर सकते हैं, भाग दौड़ कर सकते हैं। ये बताया दोस्तों सब कुछ, क्या उपाय करने चाहिए आपको, रोजाना आपको गुरु का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम ग्राम क्रीम क्रोम स गुरुवे नमः, मंगल का बीज मंत्र जरूर फॉलो करें इस महीने, ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः 108 बार, उगते हुए सूर्य को जल दीजिए आप, और ओम नमः शिवाय का जाप करें 108 बार डेली। कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में, धन्यवाद।